हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच करके उसको रखिए ऑल पे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस टेक्स पे और मैं हूँ सागर। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर मतलब कि हमारे फ़ोन अगर गिर जाए और गिरने के बाद हमारे फ़ोन की स्क्रीन मतलब टच करना बंद हो जाती है, तो हमारे जो मतलब मेन्यू बटन होते हैं, बैक बटन, होम बटन और जो होम स्क्रीन बटन होते हैं वो अगर डिसेबल हो जाए या फिर कोई वर्क ही ना करे तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो वही वीडियो मैं अभी लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देख के ये वीडियो फुल्ली एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, सभी के ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दिन ऐसा आता है कि आपका फ़ोन गिर जाएगा और आपका जो होम स्क्रीन या फिर जो नेविगेशन बटन है वो कभी ना कभी तो बंद ही पड़ेंगे। तो इसकी वजह से हम अगर उसी फ़ोन को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहेंगे तो हमारे पास वैसे बहुत से ऑप्शंस है, मगर आपका अगर रेडमी का फ़ोन है तो आप इसको भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैं इन मतलब ये तो मेरे पास अभी 3 ट्रिक्स है रेडमी के फ़ोन के बारे में। और अगर आपका रेडमी का फ़ोन नहीं है और आपके मतलब दूसरे कोई फ़ोन है या फिर कोई भी वीवो, ओप्पो या फिर सैमसंग या फिर रियलमी ऐसे कोई भी फ़ोन है, तो आप उस फ़ोन में भी एक मेजर एप्लीकेशन यूज़ करके उस फ़ोन को भी आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो जबकि आपके कोई भी नेविगेशन बटन वर्क नहीं कर रहे हो तब भी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहले ट्रिक है हमारी, देखते हैं। तो पहली ट्रिक हमारी ये है कि हमें अपनी सेटिंग ओपन करनी है, रेडमी, शाओमी या फिर यामाहा कोई भी बोल लो, इस मोबाइल का आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको ओपन करना है या फिर सर्च कर लीजिए सीधा फुल स्क्रीन, बस फुल लिखिए। सीधा आप फुल लिखेंगे तो भी आपको चलेगा। तो देखिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको बस आपको इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको क्या करता है, ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको कोई भी बटन्स टच करने को अलाउ नहीं करता। बस आपको यहाँ से ये जो राइट एज दिख रहा है यहाँ से आपको ऐसे बैक करना है, और आपको अगर होम स्क्रीन जाना है तो आपको नीचे से ऊपर लेना है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये फीचर आपके लिए अच्छा है वैसे। तो ये तो हो गए हमारी पहले ट्रिक। और ये अगर आपको ट्रिक में कोई दिक्कत आती है तो देखिए यहाँ पर सेटिंग भी है कि आपको किस तरह से ये मतलब चालू करना है। तो देखिए होम स्क्रीन के लिए आपको नीचे से ऊपर लेना है, ओपन रिसेंट एप्लीकेशन है उसके लिए आपको नीचे से ऊपर लेना है और प्रेस करके रखना है। उसके बाद है आपको गो बैक, वो आप दोनों तरह से कर रखते हैं मतलब कर सकते हैं। और जो ट्रिगर एक्शंस होते हैं ये आपको गेम में यूज़ करना होता है। और देखिए जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वर्क करना होता है, मतलब कि बैक बटन लेना है और प्रेस करके रखना है। तो वैसे क्या होगा, आपको दूसरा एप्लीकेशन है उसमें भी अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी एक देखिए रिसेंट एप्लीकेशन में मेरा कोई भी एप्लीकेशन चालू नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन आता हूँ और म्यूज़िक प्लेयर चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको किया मैंने मिनिमाइज। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक एप्लीकेशन है सेटिंग वाला उसको भी मैं कैसे ओपन करता हूँ देखते हैं। तो बैक बटन दबा के रखा, छोड़ दिया, आ गया मैं मेरी सेटिंग में। तो ये तो हो गया हमारी पहली ट्रिक। आते हैं अभी हमारे दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक भी हमारी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपकी मतलब होम स्क्रीन तो अभी चालू है, तो मैं अभी मेरा जो मतलब नॉर्मल मोड है वो नॉर्मल मोड में मतलब लेके आता हूँ फोन को मेरे। तो ये अभी हमारा फर्स्ट ट्रिक थी, अभी सेकेंड ट्रिक है हमारी वो बताने वाला हूँ। तो सेकेंड ट्रिक हमारी ये है कि हमारे ही रेडमी के फ़ोन में एक ऑप्शन होता है, वो है देखिए ये क्विक बॉल नाम का। तो यहाँ पर देखिए ये क्विक बॉल है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है ऑन। और देखिए आपको अगर कोई शॉर्टकट देख मतलब यहाँ पर लगाने हैं तो आप उतने शॉर्टकट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पर मतलब मिलता है ऑप्शन, तो वो कैसे वर्क करते हैं तो उसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया क्विक बॉल और ये आ गया आपको नेविगेशन बटन। तो इसकी मतलब मदद से भी आप यहाँ से बैक ले सकते हैं, ऐसे बैक करके भी आप यहाँ से चला सकते हैं। तो मैं आता हूँ अभी होम स्क्रीन पे। तो देखिए अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हो गए, एक तो है फुल स्क्रीन वाला और दूसरा है ये क्विक बॉल। तो क्विक बॉल अच्छा है वैसे। ये इनबिल्ट एप्लीकेशन आपको जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं
उनको यूज़ करने से बचाता है। तो ये तो हो गया हमारा अभी सेकंड ट्रिक, आते हैं अभी हमारे थर्ड ट्रिक की तरफ। तो थर्ड ट्रिक क्या होती है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो फ़ोन होता है वो एक तरह से मतलब एक साइड से टच होना बंद हो जाता है, तो हम उसको भी मिनिमाइज मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ये सामने वाला स्क्रीन है इसको भी आप मतलब छोटा कर सकते हैं। तो छोटा किस तरह से करना है वही आपको मैं अभी बताता हूँ। तो सिंपल है, आपको रेडमी की सेटिंग ओपन करनी है, सेटिंग के अंदर जाके वहाँ पर टाइप करना है वन हैंडेड, देखिए वन हैंडेड मोड। तो बस इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइज दिखाई देती है कि कितनी साइज आपको चाहिए। तो ये किस तरह से आपको शुरू करना है, तो इसको देखिए, ये जो बटन है इसको चालू कर लीजिए, और चालू करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से इसको चालू करना है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं कि कितने इंचेस में आपकी जो स्क्रीन है वो छोटी होनी चाहिए या फिर बड़ी। तो देखिए अभी यहाँ पर जैसे दिखा रहा है वैसे ही मैं कर देता हूँ, तो इसको करता हूँ मैं साइड में, देखिए मेरी स्क्रीन छोटी हो गई। अगर आपको सेटिंग ओपन करनी है और इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से ऐसे बड़ी भी कर सकती है और छोटी भी कर सकते हैं। और बस इतनी ही स्क्रीन में ये मतलब लगा सकता हूँ। तो देखिए राइट भी ले सकता हूँ मैं, राइट भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से ऊपर का अगर आपका जो स्क्रीन है वो बंद हो गया टच होने का, तो आप इस तरह से इसी फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको होम स्क्रीन में भी ले जा सकता हूँ, देखिए मेरी स्क्रीन कितनी छोटी है, मेरा फ़ोन तो बड़ा है मगर स्क्रीन छोटी है। तो इस तरह से ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए अभी इसको मैं कर देता हूँ अभी नॉर्मल। नॉर्मल करने के लिए सेटिंग ओपन करता हूँ, सेटिंग में जाके वन हैंडेड मोड, इसको कर देता हूँ मैं अभी बड़ा। और इसको बैक कैसे आते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बस बैक से जो होम बटन होता है वहीं पे जाना है। तो जैसे आप ये 100 मोड ऑफ करोगे, आपकी जो स्क्रीन है वो मतलब जैसे थी वैसे ही रहेगी, और आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं अभी हमारे फोर्थ और फाइनल ट्रिक में। जो आपका कोई भी फ़ोन हो, चाइना का फ़ोन हो, एमी का फ़ोन हो, या फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ऐसे कोई भी फ़ोन हो, रियल मी भी, ऐसा कोई भी फ़ोन हो, उसी फ़ोन में भी आप एक ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, सर्च में लिखना पड़ेगा बैक बटन या फिर और कोई भी, तो बैक बस लिखना वो भी चलेगा। तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या आता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं या फिर ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये कभी कभी चाइना की भी होती है, तो हमारा जो डाटा है वो भी लीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये नेविगेशन बार एक एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको करना है ओपन। मगर इसके बाद पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन कुछ बड़ी नहीं है, ये छोटे एप्लीकेशन है, और इसकी डेवलपर कंपनी आप अगर देखोगे तो देखिए बैंकॉक की ये कंपनी है। तो इसका मतलब ये तो चाइना की कंपनी नहीं है। तो अब हम ही इसको कर देते हैं ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए आपको ये जो सेटिंग है यानी कि इसको परमिशन देनी पड़ेगी एक्सेसिबिलिटी की। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ ओपन, और मोर डाउनलोडेड सेटिंग, यहाँ से आपको नेविगेशन बार को करना है ऑन, बस इतना ही करना है। और ओके जैसे आप दबाओगे आपका जो नेविगेशन बार है ये चालू हो जाएगा। तो चालू होने के लिए थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपकी सेटिंग के साथ ये अच्छी तरह से मतलब वर्क करता है। तो देखिए अभी ये अच्छी तरह से वर्क होने लगा है। और अगर आपका जो बैक बटन है वो आपको राइट साइड पे चाहिए, तो आप बस यहाँ पर देखिए इसको राइट साइड पे ले सकते हैं, और हो गया। और इस तरह से आप अगर वाइब्रेशन को टच पे रखना चाहते हैं तो इसको भी आप चालू करके रख सकते हैं। वैसे इस एप्लीकेशन में ऐसे बहुत से जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पर आने के बाद ही दिखेंगे। तो इसी तरह से आप अगर ये जो मैंने बताया ये चार ऑप्शन, जब आपकी फ़ोन टच स्क्रीन या फिर वर्क करना बंद कर दे तो आप इसी तरह से चला सकते हैं। तो देखिए अभी मेरे बैक बटन देखिए अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, सभी ठीक से वर्क कर रहा है। देखिए ये मेरा जो क्विक बॉल का बटन है, ये होम स्क्रीन, ये बैक बटन, सभी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसकी वजह से मुझे और वीडियो बनाने के लिए बढ़ावा मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।